शुभकामना है। और गुरुदेव अकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कल के कक्षा में राखी मात्र वाले एक विभाग वो है रेफा, रेफा के बारे में चर्चा किया गया था। जो आज हम चर्चा करेंगे रेफा के बाद आने वाला मात्रा है वो है पदे। पदे की मात्रा, पदे में रा की आधा अक्षर होता है ना, उसको दो तरह लिखा जाता है, दो तरह या दो विध में लिखा जाता है। इसको भी हम रा की मात्रा कहते हैं और इसको भी रा की मात्रा कहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे रा की मात्रा में पदेन के बहरे। देखेंगे ना बच्चों, पदेन वाला पहला मात्रा को उदाहरण में पदेन, पदेन में पहले मात्रा है वो इस तरह है। उदाहरण के साथ हम देखेंगे क अधिक, पदेन का मात्रा क्र, सा अधिक, रा की मात्रा स्रा, ता अधिक, रा की मात्रा त्रा, ग अधिक, रा की मात्रा ग्रा, सा अधिक, रा की मात्रा स्रा। यानी का के साथ रा की मात्रा मिलाकर कुल क्या हो गया है क्रा, सा के साथ रा की मात्रा मिलाकर स्रा, ता के साथ रा की मात्रा मिलाकर त्रा, गा के साथ रा की मात्रा मिलाया तो ग्रा, सा के साथ रा की मात्रा मिलाया तो स्रा। यानी अक्षर के नीचे पदेन का मात्रा को लिखा जाता है, अक्षर के नीचे और अक्षर के नीचे लिखा जाता है। जब हम कन्नड़ा में लिखते हैं इसी तरह में लिखते हैं क्रा स्रा त्रा ग्रा और स्रा। इस तरह अक्षर के नीचे लिखने वाला जो मात्रा है वो है आकर, वो है राकर मात्रा। तो इसी तरह आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को अब एक एक करके हम यहाँ पर बोध एक एक करके अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सा अधिक, मा अधिक, रा की मात्रा अधिक, आ की मात्रा अधिक, टा इक्वल्स टू सम्राट। क्या कहते हैं बच्चों, सम्राट। इसी तरह दूसरा है वा अधिक, ज अधिक, रा की मात्रा अधिक, रा की मात्रा इक्वल्स टू वज, इक्वल्स टू वज्र। जो तीसरा है वो है च अधिक, क अधिक, रा की मात्रा इक्वल्स टू चक्र। नेक्स्ट उ अधिक, मा अधिक, रा की मात्रा इक्वल्स टू उम्र। जो सम्राट को अंग्रेजी में किंग कहते हैं, वज्र को डायमंड कहते हैं, चक्र को वील कहते हैं, उम्र को एज कहते हैं। इसी तरह हम अब पदेन वाला कुछ सरल वाक्य है उन वाक्यों को एक एक करके पढ़ता हूं, आप ध्यान से मेरे साथ पढ़ो समझो।
बड़ों को प्रणाम करो, मित्रों के साथ प्रेम से बात करो, कक्षा में क्रम से बैठो। वज्र बहुत महंगा होता है। बच्चों, ये वाक्यों को देने का मतलब ये है कि आपको रागी मात्रा किस तरह का उपयोग किया गया है उसके बारे में समझने के लिए दिए। पुनः मैं इस वाक्यों को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से मेरे साथ पढ़ो समझो। बड़ों को प्रणाम करो, मित्रों के साथ प्रेम से बात करो, कक्षा में क्रम से बैठो। वज्र बहुत महंगा होता है। बच्चों, आप तो वीडियो जरूर देखा होगा। इसी तरह अब हम चर्चा करेंगे पदेन वाला और एक मात्रा, वो है ये। इसको हम टा वर्गाक्षर, टा वर्ग के साथ ही उपयोग करते हैं। तो टा वर्गाक्षर कौन से है? ट, ठ, ड, ढ। इसके साथ ए मात्रा का उपयोग करते हैं, टा अधिक राकी मात्रा, टा अधिक राकी मात्रा ट्रा, ठा अधिक राकी मात्रा ठा, ड अधिक राकी मात्रा ड्रा, ढ अधिक राकी मात्रा ढ। यानी टा वर्गाक्षर है, टा वर्गाक्षर वाले के साथ ही इस मात्रा का उपयोग करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं। पदेन वाला मात्रा को हम कहां पर उपयोग करते हैं? टा वर्गाक्षर के साथ ही उपयोग करते हैं। इसी तरह टा वर्गाक्षर वाले शब्द भी ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी अर्थ वाले शब्द होते हैं। उदाहरण के साथ मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। देखिए बच्चों, जैसे कि अंग्रेजी में हम ड्रम लिखते हैं, इस ड्रम को अंग्रेजी में ड्रम कहते हैं, मगर हिंदी में भी क्या कहते हैं? ड्रम कहते हैं। तो यहां हो गया, अंग्रेजी शब्द को हम हिंदी जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसा कि यहां पर दिया गया है ड्रम। इसी तरह ट्रक, ट्रक यानी अंग्रेजी भाषा वाले कुछ शब्दों को हिंदी भाषा में भी उपयोग किया जाता है, उसको हम इस तरह टावर का अक्षर के साथ ही लिखते हैं, जैसा कि ड्रम, ट्रक। समझ में आ गया ना बच्चों? इसी तरह आपके पाठ्य पुस्तक में पुटा संख्या में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को अब हम एक एक करके कुल रूप के साथ समझेंगे। टा अधिक राकी मात्रा अधिक ना, से पहले टा अधिक एक ही मात्रा अधिक रा की मात्रा अधिक ना इक्वल्स टू ट्रेन। ट्रेन को अंग्रेजी में ट्रेन ही कहते हैं, ट्रेन। डा अधिक रा की मात्रा डा, रा की मात्रा ड्रा, ई वर, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ड्राइवर कहते हैं। इसी तरह अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं बच्चों? ड्राइवर। तो इसी तरह मा अधिक ए की मात्रा मे, टा अधिक ओ की मात्रा टो, मेट्रो, मेट्रो को अंग्रेजी में ही मेट्रो कहते हैं। हिंदी में मेट्रो और अंग्रेजी में मेट्रो कहते हैं। अंग्रेजी शब्दों को हम क्या कहते हैं? हिंदी जैसे शब्दों के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसी तरह रा अधिक आ की मात्रा अधिक
श अधिक टा की मात्रा अधिक रा की मात्रा राष्ट्र। क्या है बच्चों? राष्ट्र। राष्ट्र को अंग्रेजी में नेशनल, नेशनल कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम अंग्रेजी शब्दों को भी क्या करते हैं, पदे अंग्रेजी शब्दों को हम पदे वाले मात्रा का उपयोग करते हैं, वो भी टावर का अक्षर वाले। तो इसी तरह यहाँ पर राष्ट्र, राष्ट्र को अंग्रेजी में नेशनल कहते हैं। तो इसी तरह आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को लिखकर उसका अंग्रेजी अर्थ भी आप लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ पदेन वाले सरल वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, आप ध्यान से मनन करिए मेरे साथ। राघव ड्रम बजाता है, ट्रक में सामान भरा हुआ है, राष्ट्र की सेवा करो, सुकन्या ने आज ड्रामा देखा। बच्चों आपको मालूम होगा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी वर्डों को ही हिंदी शब्द जैसे उपयोग किया गया है। पूरा पुनः एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। राघव ड्रम बजाता है, ट्रक में सामान भरा हुआ है, राष्ट्र की सेवा करो, सुकन्या ने आज ड्रामा देखा। तो इसी तरह यहाँ पर पदेन वाला एक वीडियो है, इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ो, समझो और लिखो। आओ बच्चों, अब हम सीखेंगे पदेन यानी रा की मात्रा। रा की मात्रा में दो विभिन्न मात्राएं हैं, वो है पहला और दूसरा। तो रा की मात्रा को हम दो तरह उपयोग करते हैं, वो है रेफा के रूप में और पदेन के रूप में। यहाँ दिया गया है वो है पदेन वाले मात्रा। रा की मात्रा वाला उदाहरण देखेंगे, जैसे क अधिक रा इक्वल्स टू क्रा, यानी जो का दिया गया है वो है व्यंजन अक्षर और रा है ये है पदेन, तो मिलकर हो गया क्रा। क्रा से बने हुए शब्द हैं क्रम और क्रेन। क्रम को सीरियल कहते हैं, क्रेन को क्रेन ही कहते हैं। पा अधिक रा का मात्रा मिलाकर प्रा। प्रा से बने हुए शब्द हैं प्रश्न और प्रकार। प्रश्न को अंग्रेजी में क्वेश्चन कहते हैं, प्रकार को टाइप्स। तो इसी तरह हाँ, टा अधिक रा की मात्रा इक्वल्स टू ट्रा, यानी यह है दूसरा रा की मात्रा वाला शब्द ट्रक, ट्रा। तो ट्रा से बने हुए शब्द हैं ट्रक। ट्रक को अंग्रेजी में ट्रक ही कहते हैं। तो ट्रेन, ट्रेन को अंग्रेजी में ट्रेन ही कहा जाता है। तो इसी तरह ड अधिक रा की मात्रा मिलकर बन गया ड्रा, जो यहाँ पर दिख रहा है इस निशानों को हम पदेन वाली मात्रा कहते हैं, ड्रम ट्रक। तो इसी तरह चक्र, चक्र को अंग्रेजी में व्हील कहते हैं, ट्रेन, ट्रेन को अंग्रेजी में ट्रेन ही कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो बता रहा है ये है रेफा पदेन की मात्रा, इस तरह लिखा जाता है यानी अक्षर के नीचे लिखा जाता है। ट्रेन, ट्रेन की रा की मात्रा को अक्षर के नीचे ही लिखा जाता है। ट्रक, ट्रक को अंग्रेजी में ट्रक की कहते हैं, और इस तरह लिखते हैं इसको हम पदेन वाले मात्रा हाँ कहते हैं। प्रश्न को अंग्रेजी में क्वेश्चन कहते हैं, ड्रम को ड्रम कहते हैं, ड्रेस को ड्रेस कहते हैं, ब्रश को ब्रश कहते हैं। तो प्रथम,
प्रथम में अंग्रेजी को, तो प्रथम अंग्रेजी में फर्स्ट कहते हैं, प्रणाम प्रणाम को अंग्रेजी में ब्लेस कहते हैं, समुद्र को ओशियन कहते हैं, मेट्रो को मेट्रो कहते हैं। बच्चों धन्यवाद बच्चों। बच्चों वीडियो को जरूर देखा होगा, इसी तरह देखिए हुए वीडियो को ध्यान से पुनः और एक बार देखकर उसमें दिए गए शब्दों को पूर्ण रूप में लिखकर अंग्रेजी अर्थ भी आप लिखिए। धन्यवाद बच्चों।